खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। निमरानी औद्योगिक क्षेत्र खाली बुजुर्ग की पानवा नर्सरी के मामले में जानी करण ने एक बड़ा खुलासा किया। पानवा नर्सरी फार्म के मैनेजर मुकेश गुप्ता ने कहा, 2012 में आदिवासी अमीलाल आशाराम अजनारे सेलानी कसरावत के नाम की ये जमीन आदिवासी व्यक्ति की थी, जिसको सामान्य वर्ग नहीं खरीद सकता था। पटवारी हल्का नंबर 3 के नाम से रजिस्टर्ड है। जब इस मामले में विस्तार से जानकारी ली गई तो आयकर विभाग के पेन कार्ड में 1 करोड़ की राशि का विवरण दिया गया है, जिसमें एक आदिवासी के नाम पर जमीन खरीदी जाती है और बाद में यही जमीन मेगा फूड पार्क को दे दी जाती है और इसका पैसा राजस्व कर आधी सभी उस गरीब किसान के ऊपर आ जाते हैं। इस सदमे के बाद वह गरीब आदिवासी किसान पैरालिसिस हो गया और उसकी पत्नी को भी पैरालिसिस हो गया। इस पूरे मामले में अरुण यादव का हाथ बताया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल भाजपा के मंत्रियों और अरुण यादव की साठगांठ के माध्यम से यह मामला अब तक दबा दिया गया था। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कब खरीदी? तो तुम ये बीमार कैसे हो गए? देखो इधर सर। किसके कारण? पैसा कारण बैठे पैसा। हम ये देखो, ये आदिवासी की जमीन आदिवासी खरीद सकता है, ये कानून के हिसाब से है और उन्होंने वैसे ही किया। और वो इन्होंने जो किया है वो इनको उपयोग किया गया है, अमीला लगनारे को, और इनको उपयोग करने के बाद जो संपत्ति बेची गई है उसकी राशि का मतलब हिस्सा जब है ना ड्राइवर्सन करके इनके नाम पे पक्का करके जो भी संपत्ति खरीदी गई अमीला लगनारे के नाम पर कर दी गई। पहले रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री होने के बाद सेकंड जो है ड्राइवर्सन हुआ अमीलाल आसाराम अजनारे के नाम से ड्राइवर्सन हुआ, वो फिर खरगोन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे रजिस्ट्री किए गए, जिसमें जो उसका दाम पहले तो मतलब फूटी कौड़ी का दाम था और उसके बाद वो 10 गुना उसका दाम बढ़ा दिया। तो वो मामला जब वो बड़े मामले में मतलब अमाउंट गया तो वो खरगोन मेगा फूड पार्क वालों ने वो चेक काट के दिए। वो चेक कंपनी ने इनको बोला अमीलाल अजनारे को कि ये चेक खरगोन में अपने मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि अरुण यादव के जो कंपनी सनाउद रोड पे जो मोटर्स है ना निमाड़ मोटर्स कंपनी लिमिटेड को जाकर दे दो। तो इन्होंने वहाँ जाके दिया और इनको बोला था कि हम पैसा आपको भी देंगे, है ना। इसमें उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, डमी के रूप में इस्तेमाल किया, मतलब भारी मात्रा में मतलब पैसों का मतलब लेन देन हुआ इसमें। और बेचारे जब इनको उस उपयोग किया गया तो इनको बदले में अमाउंट नहीं दिया गया और इनके द्वारा जो किया गया काम की उसको जो कोई राशि नहीं मिली, तो जो बचे हुए जो है ना कंपनी द्वारा जो पैसे पेमेंट किए गए थे जमीन वालों को, और ये जमीन का पेमेंट इनके द्वारा न किया गया बल्कि कंपनी के कर्मचारी रामा और जो उसका दलाल सुखलाल यादव था उसने उनका पेमेंट किया। उन्होंने उसमें भी घोटाला किया, 4-4, 5-5 लाख रुपए हर इसमें से मतलब कम करते गए। अब वो जो अमीलाल अजनारे के नाम से जमीन खरीदी गई थी उन लोगों से आदिवासियों से, तो वो उनको पूरा पेमेंट न होने की दशा में उन लोगों ने इसके ऊपर धावा बोल दिया कि भैया हमने जमीन तुमको बेची है न कि खरगोन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को, हम पैसा आपसे मांगते हैं, आप हमको पैसा दो। अब ये इतने बड़ी मतलब राशि कहाँ से दे, ये झटका खाकर इन्होंने अपने आप को मतलब पैरालिसिस का ही झटका अलग दिया। इन्होंने कितने में जमीन खरीदी थी? देखो वो जो अलग अलग अमाउंट है इसमें दिया, कितने लोगों से जमीन खरीदी, कितने आदिवासियों से? कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, मतलब गांव ग्रामीण क्षेत्र के और ज़्यादा है। जो 1,13,73,000 का अमाउंट है जो है ना गवर्नमेंट द्वारा टैक्स मतलब जाहिर किया गया इनके ऊपर कि आपने इतनी बड़ी जमीन खरीदी है इसका टैक्स आप पे करो, तो वो टैक्स का मामला वो हमसे बताया गया। तो हम इनको लेकर यहाँ आए निमाड़ मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी में आए, तो वहाँ इनको दिया, दीपक शर्मा जी को दिया। तो दीपक शर्मा जी का हमने, हमारे पास वीडियो भी है और भी वीडियो मौजूद है, हमने वीडियो बनाए भी हैं दीपक शर्मा का बनाया। तो उन्होंने बोला कि अमीलाल भाई, अरे नहीं यार अमीलाल भाई, अरे मत रो यार, हम छे नहीं, हम ये इसका टैक्स का मामला है वो हम देखे ले वहाँ गए, तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है जो जमीन खरीदी गई थी ये पैसा उन किसान आदिवासियों को देना था लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया?